बाढ़, बारिश और बर्बादी, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस वक्त दिल्ली पर क्या बीत रही है, दिल्ली के लोगों पे क्या बीत रही है। यमुना का लगातार बढ़ता जलस्तर और उस जलस्तर से कैसे यहाँ के लोग प्रभावित हुए हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मयूर विहार इलाके में राहत शिविर में, जहाँ पर जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए व्यवस्थाएँ की गई हैं, राहत शिविर बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कैसे इन राहत शिविरों में लोग अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से व्यवस्था के नाम पर क्या इन लोगों के लिए किया गया है, बात कर लेते हैं। देखिए आंटी हैं, खाना बना रही हैं। आंटी, खाने की व्यवस्था नहीं की गई आपके लिए? खुद ही बना रहे हो? अच्छा, खुद ही खाना बना रहे हो? देने नहीं आया? ना कोई ना आया, भिंडी मोल लाई है 30 रुपया की, आधा किलो मिली है। अच्छा, कब से रह रही हो यहाँ पे? 5-6 दिन आ गए आज। 5-6 दिन हो गए हैं और 5-6 दिन में भी आप देखिए हाल, खाने को खुद को ही इनको अरेंज करना पड़ रहा है, खुद ही बाजार से सब्जियां खरीद के ला रहे हैं, खुद ही खाना बना रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरें, जमीन पर बच्चे लेटे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, जानवरों को भी यहीं पर बांधा हुआ है और इतने से शिविर में आप देखिए इतने सारे लोग रह रहे हैं, इनका सामान यहाँ पर रखा है। कब से रह रही हो दीदी यहाँ पे? हो गया, 4 दिन हो गए हैं। ये कुछ व्यवस्था नहीं की गई है? और मैम बारिश होती है, सब भीग जाता है, वैसे रात में ही उठ के बैठनी पड़ती है। और खाना पीना? खाना पीना तो मिल रहा है, बराबर तीनों टाइम का मिल रहा है? मिल रहा है, कोई कमी नहीं है, खाना पीना की कोई कमी नहीं है। हाँ, बस ये रहने फहने की थोड़ी दिक्कत हो रही है बस। और ये जानवरों को भी कैसे बांधा हुआ है आप लोगों ने? क्या करे, कहाँ बांधे बताइए, कोई व्यवस्था नहीं पड़ेगी। कब तक एडजस्ट करना है कुछ बताया मैम? कुछ बताया नहीं है, जब तक रहेंगे हम लोग तब तो करनी ही पड़ेगी। बिजली लगी है, गर्मी काफी है, व्यवस्थाएं की गई हैं, खाना मिल रहा है लेकिन सोने को जमीन नहीं मिल रही है। देखिए कभी भी बारिश आ जाती है और आप इन छोटे छोटे बच्चों को भी देख सकते हैं कैसे इस छोटे से शिविर में इतने सारे लोग रह रहे हैं और जब रात को बारिश आ जाती है तो उस वक्त कुछ इंतजाम इनके पास नहीं होता है। तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो एक के बाद एक शिविर है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है, उससे खुश हैं, बिजली आ रही है, पानी मिल रहा है, लेकिन आखिरकार इनके घर इनको कब वापस मिलेंगे, उसी तस्वीर के साथ उसी स्थिति में जैसे ही अपने घरों में रहते थे, इसका अभी तक कुछ पता नहीं है। आप देखिए गंदगी भी है, नीचे लोग दरी लगाकर सो रहे हैं, यहीं पर खाना बना रहे हैं, यहीं पर बच्चे रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और बारिश के बीच में, बाढ़ के बीच में ये तस्वीरें काफी हैरान करने वाली हैं। आप देखिए ये छोटा सा बच्चा सो रहा है, गंदगी में बच्चे को सुलाया हुआ है क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास में, क्योंकि इनको जो अभी व्यवस्था करके दी गई है वो सिर्फ यही व्यवस्था है। ये शिविर है, इसमें आप देखिए बच्चे रह रहे हैं, इनका सामान है, सामान को छुपाना है, सामान को बचाना है, बच्चों को भी बचाना है, बारिश से बच्चों को बचाना है, गंदगी से बच्चों को बचाना है, लेकिन इस स्थिति में जो भी इन लोगों को मिल रहा है उससे अभी ये संतुष्ट नजर आ रहे हैं और बस राहत भरी नजरों से ये यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो सरकार है, जो प्रशासन है, इनके लिए जल्द से जल्द कोई व्यवस्था जरूर करे ताकि पहले की तरह ये अपनी जिंदगी जी पाए। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ मैं आयुषी नेगी, एबीपी न्यूज दिल्ली। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।